Hello everyone, welcome back. And now I'm going to continue topology topic. Okay, this is the last topology in computer networking. Okay, that is mesh topology. Okay, so without delay, let's start the today topic and discuss what is a mesh topology. Okay, we can see here the definition of mesh topology is, in mesh topology each node is connected to all other nodes so that it provides alternate route. Okay, in case if the host is either down or busy. Okay, we can also call it as extension of the peer to peer network. Okay, पॉइंट समझ में आया कुछ नहीं समझ में आया, चलिए कोई बात नहीं, समझाता हूँ. देखिए मेश टोपोलॉजी में क्या ध्यान रखना है कि जितने भी कंप्यूटर्स होंगे, चाहे वहाँ पर वन कंप्यूटर हो, टू कंप्यूटर हो, थ्री कंप्यूटर्स हो, वह ईच एंड एवरी कंप्यूटर वन बाय वन एक दूसरे से क्या होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए. यह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. देखिए आप, ईच नोड इट मीन्स ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू ऑल अदर नोड्स. सपोज करिए कि मेरे पास एक कंप्यूटर है, ये दूसरा है मेरे पास नोट, ये हमारा पास क्या है, तीसरा नोट है. क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं मेश टोपोलॉजी में, तो ध्यान क्या रखना है कि अगर यह नोट इससे कनेक्ट हो गया तो यह नोट हमारा इससे भी कनेक्टेड होगा. क्लियर? यानी कि यह जो नोट है, यह वाला नोट, यह दोनों से कनेक्ट हो गया, वन से भी और टू से भी, बट इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, तो यह इससे भी क्या होगा, कनेक्ट होगा. अब यह किस टाइप की टोपोलॉजी हो गई, मेश टोपोलॉजी. यह थ्री कंप्यूटर्स था तो थोड़ा सा आपको उस टाइप का डायरेक्शन नज़र आ रहा होगा, सर्कल का, बट ऐसा कुछ है नहीं. अब मैं दिखाना चाहता हूँ एक और. सपोज करिए कि मेरे पास एक नोड यह है, एक नोड यहाँ पे है और एक नोड यहाँ पे है. ये टोटल नंबर ऑफ फोर नोड्स हैं, वन टू दिस वन थ्री एंड दिस वन फोर. टोटल नंबर ऑफ चार नोड्स है इस नेटवर्क में. इसमें मुझे मेश टोपोलॉजी अप्लाई करना है, क्या करना होगा, तो पॉइंट्स याद रखिए, ईच नोड इज कनेक्टेड टू ऑल अदर नोड्स. यानी कि अगर मैं फोर नोड को कनेक्ट करूँ तो वो वन से भी कनेक्ट होगा, थ्री से भी कनेक्ट होगा और किससे कनेक्ट होगा, टू से भी कनेक्ट होगा. क्लियर? सेम अगर इस नोड की बात करूं, नोड वन, तो नोड वन अभी फिलहाल किससे, केवल फोर से कनेक्टेड है, ना वो टू से कनेक्टेड है ना थ्री से कनेक्टेड है. इस केस में हम क्या करेंगे, इस नोड वन को किससे कनेक्ट करेंगे, टू से भी कनेक्ट करेंगे, और नोड वन को किससे कनेक्ट करेंगे, थ्री से कनेक्ट करेंगे, और फोर से कनेक्टेड है ही है, जिसका भी कंप्लीट हो गया. इसको चेक करिए टू को, तो यह हमारा टू है, वन से कनेक्ट है, फोर से कनेक्ट है, बट थ्री से कनेक्ट नहीं है, तो इससे भी हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे. तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह जो टोपोलॉजी नज़र आई आपके सामने स्क्रीन पे, यह जो टोपोलॉजी नज़र आई वह कौन सी टोपोलॉजी नज़र आ रही है, देख पा रहे हैं, मेश टोपोलॉजी. इसमें ध्यान रखना है ईच नोड यानी कि इस नेटवर्क में, इस टोपोलॉजी में जितने नोड हैं, ईच एंड एवरी नोड से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे. क्लियर है? याद रखिएगा, इसमें बोर्ड एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स में इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेश टोपोलॉजी में. क्लियर है? अब ध्यान रखने वाली बात जो है वह ध्यान रखिएगा, इसमें जब भी हम मेश टोपोलॉजी की बात करते हैं तो क्यों यूज करेंगे मेश टोपोलॉजी, वजह क्या है, तो बहुत सिंपल है. यहाँ आप देखिए, इट प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव रूट. मतलब क्या कि सपोज करिए, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, सपोज कि यह जो मेरा एक रूट है या एक कोई सर्वर है जो मैसेज सेंड करना चाहते हैं थ्री को, तो इसके पास कितने रूट पॉसिबल है, एक रूट हमारा यह पॉसिबल है. क्लियर? वन से टू पे आएगा, देन थ्री पे आ जाएगा, एक दूसरा रूट यह पॉसिबल है, वन से डायरेक्ट थ्री पे चला जाएगा, एक तीसरा रूट है, वन से फोर आएगा, देन फोर से थ्री पे चला जाएगा. यानी कि टोटल जो रूट की संख्या हो रही है, मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, वन टू एंड थ्री, और भी देखिए है क्या कोई रूट, हाँ बिल्कुल है, उसको भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ. एक रूट यहाँ से है, वन से फोर पे आएगा,
फोर से कहाँ पे जाएगा, टू पे जाएगा, देन थ्री पे आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फोर रूट हैं। इन केस सपोज करिए रूट वन क्या है, बिजी है, यानी कि उसमें ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, तो यह अल्टरनेट पाथ यानी सेकेंड रास्ते से रिसीवर तक पहुँच जाएगा। ये इस मेश टोपोलॉजी की क्या है, ब्यूटी है, यानी कि किसी भी नेटवर्क में हमारे पास अल्टरनेट रूट नहीं मिल पा रहा था, क्लियर है, बट केवल एक टोपोलॉजी है जिस टोपोलॉजी का नाम क्या है, मेश टोपोलॉजी। उस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक अल्टरनेट रूट प्रोवाइड कर देता है मेश टोपोलॉजी, जिसके बेसिस पे अगर एक रूट में कोई ट्रैफिक है, लाइन बिजी है, सर्वर बिजी है, तो उस केस में दूसरे रूट का यूज करके डिस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। क्लियर है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो यही पॉइंट्स यहाँ पर लिखा है, इट प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव रूट इन केस इफ द होस्ट इज आइदर डाउन और बिजी, मतलब कि जो रूट मैंने डिसाइड किया है उस रूट में कोई ट्रैफिक है, बिजी है, क्लियर है, तो हमारा जो मेश टोपोलॉजी अल्टरनेट रूट क्या करता है, प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम रिसीवर तक मैसेज को ट्रांसफर कर पाते हैं, क्लियर है। सो लास्ट पॉइंट देखिए, अगर पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर की बात करेंगे उसी का क्या है, एक्सटेंशन, क्लियर। अब कुछ एडवांटेज हैं, एडवांटेज ध्यान रखिएगा। पहला एडवांटेज जो यहाँ पर गिवेन है उसको समझिए, एक्सलेंस फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्किंग। जब भी हमको लॉन्ग डिस्टेंस पे कवरिंग करना हो, नेटवर्क बनाना हो, लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करना हो, तो उस केस में सबसे सूटेबल जो होगा वो क्या होता है, मेश टोपोलॉजी होता है। सेकेंड क्या होता है, कम्युनिकेशन पॉसिबल थ्रू द अल्टरनेट रूट इफ पाथ इज बिजी। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन अ मेश टोपोलॉजी। व्हाई, क्योंकि मेश टोपोलॉजी एक अल्टरनेट पाथ जनरेट करके दे देता है। जब मेन पाथ में कोई लाइन बिजी जा रही या सर्वर बिजी हो गया, कोई इन केस कोई प्रॉब्लम अकर हो गया, तो हमारे पास अल्टरनेट रूट होता है जिसके थ्रू हम डेटा को क्या कर सकते हैं, ट्रेवल करते हैं, किसके अंदर, केवल मेश टोपोलॉजी, क्लियर है। अब यहाँ पर जो डिसएडवांटेज है वह एक ही डिसएडवांटेज है, क्या, कि लॉन्ग केबल वायर लेंथ रिक्वायर्ड, यानी कि इसमें जो केबलिंग की रिक्वायरमेंट होती है मेश टोपोलॉजी में वो बहुत ही ज़्यादा होती है, क्लियर है। यानी कि यहाँ पर एक ही डिसएडवांटेज है, क्या, कि रिक्वायर्ड मोर केबल्स कंपेयर टू अदर टोपोलॉजी लाइक बस, स्टार, ट्री। अब यहाँ पर पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, केबलिंग की रिक्वायरमेंट क्यों ज़्यादा होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्लियर है। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे क्यों केबलिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, थोड़ा समझिएगा। सपोज करिए कि मेरे पास एक कंप्यूटर है, यह वन, सेकेंड कंप्यूटर हियर, दिस इज थर्ड कंप्यूटर एंड दिस इज फोर्थ कंप्यूटर, ओके। यानी कि कह सकते हैं इसमें जो कंप्यूटर्स वो क्या है, नोड है, यह कंप्यूटर्स क्या है, नोड है, क्लियर है। अब इसको मेश टोपोलॉजी के थ्रू क्या करना है, कनेक्ट करना है। किस टोपोलॉजी के थ्रू कनेक्ट करना है, मेश टोपोलॉजी। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, ईच एंड एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू ऑल कंप्यूटर्स, यानी कि यहाँ से यह भी कनेक्ट होगा, यहाँ से ये भी कनेक्ट होगा, और इसका कनेक्शन इससे भी होगा, क्लियर है। फिर से देखिए, इसका कनेक्शन मैं अलग अलग मार्क कर देता हूँ कलर में, इसका कनेक्शन इससे भी होगा, फिर से इसका कनेक्शन इससे भी होगा, और देन इसका इससे ऑलरेडी है, या मैं अगेन इस पर थोड़ा सा ये मार्क कर देगा, क्लियर है। सेम अगर मैं इसकी बात करूँ, इसका, तो इसका कनेक्शन तो ऑलरेडी इससे है, ये देखिए है, अब इसका कनेक्शन इससे होना चाहिए, क्लियर है। यानी कि ये इससे भी कनेक्ट है। अब देखो, तो एक पॉइंट्स आपको नज़र आ रहा होगा, एक पॉइंट्स आपको नज़र आ रहा है कि यह जो कोई भी कंप्यूटर है, यह जो कंप्यूटर है इसके पास कितने पोर्ट होने चाहिए, कि अगर मान लो कि इस पूरे नेटवर्किंग में चार कंप्यूटर्स हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हैं, फोर हैं, तो एक कंप्यूटर के पास कितने पोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पोर्ट क्या होता है, जिससे हमारा क्या होता है, नेटवर्क में एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, जिसे NIC पोर्ट बोलते हैं। तो इस मान लीजिए इसको वन बोल दिया, इसको बोल दिया मैंने टू, इसको बोल दिया थ्री, इसको बोल दिया मैंने फोर, क्लियर।
तो इस कंप्यूटर यानी कंप्यूटर वन के पास कितने पोर्ट होने चाहिए कि अगर टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस अगर 4 हैं तो इसको कनेक्ट कर ले ईच एंड एवरी कंप्यूटर। तो काउंट करिए कि इस ईच एंड एवरी कंप्यूटर के पास से टोटल नंबर ऑफ 3 NIC पोर्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, एक लिंक यहाँ पे, दूसरा लिंक यहाँ पे, फिर से तीसरा लिंक यहाँ पे, फिर से यहाँ पर भी देखिए, इस पर भी काउंट करिए 1, 2 and 3 है कि नहीं है। सेम यहाँ पर देखिए 1, 2 and 3। ओके, यहाँ पर देखिए 1, 2 and 3। यानी कहने का सेंस है, अगर इस मेश टोपोलॉजी में टोटल नंबर ऑफ 4 कंप्यूटर्स हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट ईच एंड एवरी कंप्यूटर को रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा? 3 होगा। इसको एक फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ पोर्ट इक्वल टू, आप नोट डाउन कर लेंगे, पोर्ट इक्वल टू वह होता है N-1। यानी क्या है, उस नेटवर्क में टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस है। जैसे इस केस में कितने डिवाइसेस है? 4। तो अगर 4-1 करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 3। यानी कि ईच एंड एवरी कंप्यूटर के पास कितने पोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी? 3। यानी कि 1 के पास भी अगर 3 पोर्ट्स हैं, 2 के पास भी 3 पोर्ट्स हैं, और 3 के पास भी 3 पोर्ट्स हैं, और 4 के पास भी 3 NIC पोर्ट्स हैं, तो इसका मतलब 4 कंप्यूटर को मेश टोपोलॉजी में आप कनेक्ट कर पाएंगे। क्लियर है? अगर मान लीजिए एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि मेरे को 100 कंप्यूटर्स, कितने कंप्यूटर्स? 100 कंप्यूटर्स को मेश टोपोलॉजी में कनेक्ट करना है, तो एक कंप्यूटर के पास कितने पोर्ट होने चाहिए? तो आप फार्मूला में रखिए N मीन्स 100 और -1, इसका मतलब कि ईच एंड एवरी कंप्यूटर के पास कितना पोर्ट होना चाहिए? 99 पोर्ट होना चाहिए। क्लियर है? 99 NIC पोर्ट होना चाहिए, जो पॉसिबल बहुत कम रेयर केस में हो पाता है, इसलिए इसका ड्रॉबैक रहा है। इसी का मेश टोपोलॉजी का क्या है? यही ड्रॉबैक है। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर 100 कंप्यूटर का एक मेश टोपोलॉजी बनाना है, तो एक कंप्यूटर के पास कितने पोर्ट? 99 पोर्ट्स। क्लियर? तभी तो ईच एंड एवरी कंप्यूटर को क्या होगा? कनेक्ट हो पाएगा। क्लियर हो रहा? अब ध्यान समझिएगा, यह तो पोर्ट हो गया। अब अगर यह 4 कंप्यूटर्स को कनेक्ट, कितने केबल रिक्वायर्ड हुए वो देखिए, केबल कितने रिक्वायर्ड हुए हैं। तो यह 1 केबल मैं मार्क कर रहा हूँ, 1 केबल, 2 केबल, 3 केबल, दिस वन 4 केबल, 5 and 6। यानी इस 4 कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ जो केबल की रिक्वायरमेंट वो कितने हैं? 6 है। क्लियर है? यानी कि यह बोल सकते हैं कि जो केबलिंग की रिक्वायरमेंट वो क्या है? 6 है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में कि टोटल नंबर ऑफ केबलिंग की रिक्वायरमेंट कितना होगा अगर 100 कंप्यूटर्स हैं, क्लियर है, 100 कंप्यूटर्स हैं, तो उसके लिए फार्मूला जो होगा वह, या तो पोर्ट के लिए, या पोर्ट के लिए फार्मूला क्या है? N-1। क्लियर है? बट टोटल नंबर ऑफ केबलिंग को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए फार्मूला मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ। क्लियर? यहाँ मैं राइट कर रहा हूँ, आपको लिखना होगा N मल्टीप्लाई विद इन अ ब्रेकेट N-1 एंड डिवाइड बाई टू। इस फार्मूले को आप यूज करके टोटल नंबर ऑफ केबल को फाइंड आउट कर सकते हैं, या टोटल नंबर ऑफ पोर्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ईच एंड एवरी कंप्यूटर को कितने पोर्ट की रिक्वायरमेंट वह पूछा है, यानी कि एक कंप्यूटर को कितना पोर्ट चाहिए, बट टोटल उस मेश टोपोलॉजी में कितने पोर्ट होंगे उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है? यह फार्मूला है। क्लियर है? तो इसमें क्या करेंगे, जैसे इस केस में देखिए कि कितने कंप्यूटर से 1, 2, 3 and 4, तो यहाँ पर रखिए 4, N के जगह पे हमने प्लेस किया क्या, 4 मल्टीप्लाई 4-1, ओके, एंड डिवाइड बाई 2। क्लियर है? अब ध्यान से समझिए, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 2 से कैंसिल आउट कर देता हूँ 4 को, 2 टाइम्स में चला गया। क्लियर? यहाँ से बच गया क्या? 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमको आंसर कितना मिल जाएगा? 6। क्या मिल जाएगा? 6। अब इस केस में देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पोर्ट हैं, या बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ जो केबलिंग्स रिक्वायर्ड होगा मेश टोपोलॉजी में अगर 4 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने जाऊंगा तो क्या होगा? 6। तो याद रखिए, मैं एक फार्मूला एक बार और राइट कर देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ केबलिंग
या केबल, इन मेश टोपोलॉजी के लिए फार्मूला मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, लिख लेंगे n मल्टीप्लाई n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। ओके, अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं कहूँ कि अगर मेरे पास 50 कंप्यूटर है, 50 कंप्यूटर्स हैं, इनको क्या करना है, मेश टोपोलॉजी के थ्रू कनेक्ट करना होगा, तो कितने टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स होंगे या टोटल नंबर ऑफ केबल होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करिए तो यहाँ क्या होगा, 50 माइनस 1 इट मीन्स 49 एंड डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स या केबल हो जाएंगे, क्लियर। बट अगर बोलूँ कि ईच एंड एवरी कंप्यूटर, यानी 50 कंप्यूटर्स हैं और ईच एंड एवरी कंप्यूटर कनेक्ट होने थे, एक कंप्यूटर के पास मिनिमम कितना पोर्ट होना चाहिए, तो वह क्या होगा, 49 पोर्ट्स होना चाहिए, जिसको हम किस फार्मूले से निकालेंगे, n माइनस 1, क्लियर है। यानी कि एक कंप्यूटर को कितना पोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी वह इस फार्मूले से कैलकुलेट करिए, n माइनस 1, और पूरे नेटवर्क में कितने पोर्ट की जरूरत है, सभी के पास कितने पोर्ट्स होंगे, टोटल काउंट करना है, टोटल केबल निकालना है, तो उसके लिए हम क्या फार्मूला याद रखेंगे, n मल्टीप्लाई n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, क्लियर है। तो इस तरीके से, और याद रखिएगा कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स में यह फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले को बहुत पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है कि टोटल नंबर ऑफ केबल कितने रिक्वायर्ड होंगे या टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स क्या होंगे, तो उसके लिए हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, इस फार्मूले को यूज करते हैं, क्लियर। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बट एक बार और मैं बताना चाहूँगा कि डिफिनीशन में क्या राइट करना है, मेश टोपोलॉजी की डिफिनीशन आप राइट कर लीजिएगा, मेश टोपोलॉजी Each node is connected to all other nodes so that it provides alternate route. यह important points है। और एक दूसरा important points है कि जितने भी node होंगे, जितने भी computer होंगे, उस network में each and every computers क्या होंगे, connected होंगे। तो अगर 50 हमारे पास nodes हैं तो कितने एक computer को port की ज़रूरत पड़ेगी, 49, clear है। और total निकालने के लिए formula use करिए, n multiply n minus 1 divide by 2, तो total number of पोर्ट और केबल मिल जाएंगे। और डिसएडवांटेज में एक ही डिसएडवांटेज है इसका, जो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्या कि जब हमारे पास एक कंप्यूटर को टोटल नंबर ऑफ 50 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, तो 49 केबल को कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो यह थी एक के लिए हो गया, ऐसे दूसरे के लिए भी तो सोचिए, 49 केबल था, कितना केबलिंग की रिक्वायरमेंट होगी, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाता है, क्लियर है। तो इसलिए मेश टोपोलॉजी फ्लॉप रहा, ठीक है ना। तो इसके केस पे हमारा दूसरा टोपोलॉजी आ गया, क्लियर है। बहुत सारे टोपोलॉजीज है, बट अभी फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है कि मेश टोपोलॉजी क्या होता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सो एवरीवन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट्स एंड सेंड मी एज सून एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।